राधे राधे जी। इस समय अभी खड़े पटियाले के माल्टाउन राधा कृष्ण मंदिर, जिथे 70 साल पुराना मंदिर है। प्राचीन कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे भारत भर में मनाया जा रहा है। इस समय राधा कृष्ण मंदिर जो 70 साल पुराना मंदिर है, और जन्माष्टमी तैयार क्यों मनाया जा रहा है? खड़े इस टाइम पंडित जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, साढ़े जो मंदिर है, किन्ने मानता की मंदिर? ये श्री राधा कृष्ण मंदिर माल्टाउन पटियाला का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। गत 70 साल तकरीबन इस मंदिर को हो गए हैं, तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सबकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जन्माष्टमी की तैयारी पूरी चल रही थी एक हफ्ते से, श्रीमद भागवत कथा भी चल रही थी। हमारे मंदिर ट्रस्ट बॉडी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का पूरे सहयोग से यहाँ पर सभी के ध्यान देख रेख के हिसाब से यह मंदिर पूरी जोर से पूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हुआ श्रद्धा से लोग यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनकी विशेष इस मंदिर से श्रद्धा जुड़ी हुई है। कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार आज किमें मनाया जा रहा है? इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का गत वर्षों की तरह, जैसे भी हर वर्ष जन्माष्टमी आती है, उसको बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से सभी को आपस में मिलकर मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा एक सप्ताह से चल रही थी, आज उसका संपूर्ण होगा वह भागवत कथा। 10 से 12 कीर्तन होगा मंदिर में, तत्पश्चात भंडारा, रात्रि को भी भजन संध्या होगी। तो बाहर से भजन संध्या के लिए उनको हमने संजीव गुरु जी को बुलाया गया, तो उनकी सारी टीम साथ में आएगी। बहुत ही भव्य प्रोग्राम होगा, बड़े दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और उनकी समस्त मनोकामना हमारे ठाकुर जी अवश्य पूरी करते हैं। साढ़े कुछ और ही जुड़े नाल, मैं पवन कुमार गर्ग बोल रहा हूँ, वाइस चेयरमैन ऑफ ट्रस्ट। हमारे मंदिर में एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके अलावा एक वर्किंग कमेटी है, तो दोनों कमेटियाँ मंदिर के सब काम देखती हैं। जो ये जन्माष्टमी का त्यौहार है, ये हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे मंदिर का नाम राधा कृष्ण मंदिर है। इसलिए जो ये त्यौहार है जन्माष्टमी का, ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके अलावा हमारे शिवरात्रि, रामनवमी और बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये मंदिर 50 से 60 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे जो भी मंत्र लेके आता है कोई, इसकी इच्छा पूरी होती है। जन्माष्टमी तैयारी जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है मंदिर? जन्माष्टमी की पूरी तैयारी हो रही है। 10 से 12 कीर्तन होगा, उसके बाद भंडारा होगा। शाम को 8 से 12 संजीव गुरु जी जो पटियाला वाले हैं, उनका प्रोग्राम है, वो भजन संध्या करेंगे। उसके बाद रात को 7 बजे से 10 बजे तक द्वारा फिर भंडारा होगा, और 12 बजे कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसकी आरती की जाएगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। साढ़े लोग पूरी जी नाल जुड़े, उन्होंने उद्योग। मेरा नाम गुरसेवक पुरी, मैं जनरल सैकटरी हाँ जी। उरे मंदिर के बचपन तो सेवा कर रहे हैं जी। असी श्री जी कृष्ण जी का जन्मदिन असी सवेर तो देख रहे हो, तुम हम हम आ के श्रद्धालु आ रहे हैं। सवेरे 5 बजे तो लाइन लगी हुई है। रात को असी अज खास प्रोग्राम है, संजीव गुरु जी मोरा वाली गली वाले आ रहे हैं, जो कि 8 बजे तो लैके भगवान के जन्म सवेरे 12:15 बजे तक पूरी रास पाएगी, जिदे लिए 1000 बंदे का असी बैठने का इंतजाम किया है। साडा ये मेन फंक्शन हुंदा है। ये मंदिर सारे पटियाले सब तो खुला, स्पेशियस और वैल सिक्योर्ड मंदिर है। भगवान की कृपा नाल जिदा तुहानू दोनों पुजारियों ने दसिया है, उरे हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंदिर की मानता की है जी? मंदिर की मानता यह है, राधा कृष्ण भगवान की 1958 के नेड़े जो उरे स्थापना हुई, उन्होंने आशीर्वाद हर मई के असी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो पूरी मनोकामना पूरी होंदिया है। जो भी श्रद्धा नाल उरे आके मत्था टेकता है, वह मनोकामना है जी। असी अपने सरबोते तस्वीरों भी सांझी करो जी। मंदिर कीर्तन चल रहा है, सामने 10 से 12 उरे कीर्तन चलो, उस तो बाद मंदिर सजाया गया डेकोरेशन फुला नाल। पटियाले तो हाई स्टैंडर्ड न्यूज़ लई केशव कुमार की रिपोर्ट।